प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। आएगी रोजगार की बहार, युवा नौकरी पाएंगे 8000, अडानी ग्रुप, एलएनटी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन। 3 अगस्त को MMTU गोरखपुर में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला, युवाओं को प्रेरित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे गोरखपुर। शहद के स्टार्टअप से सर्वविदित हो गए गोरखपुर के निमित। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं के लिए नजीर के रूप में निमित का किया जिक्र। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिले ऋण ने दी स्टार्टअप को नई ऊंचाई। निमित की सराहना के लिए सीएम योगी ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, युवा पीढ़ी का प्रेमचंद के साहित्य की गहराइयों को समझने में रुचि लेना एक बदलाव का है सुखद संदेश। जिला अपराध निरोधक कमेटी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। ने कहा, जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है कमेटी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। कहा, पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से करा रहे हैं परिचित। गोरखपुर में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 18613 अभ्यर्थियों में से 16500 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। 2079 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महापौर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जिन लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुंचा है उनके घरों पर लगाया जाएगा तिरंगा झंडा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्मयुद्ध में हो गए थे शहीद। नया इस्लामिक वर्ष 1443 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त 2022 से होगा शुरू। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूख अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, परम्परागत ही निकलेंगे जुलूस, कोई नई नहीं होगी रवायतें। श्रम विभाग के द्वारा कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लगाया गया कैंप। लिस्ट में शामिल मजदूरों ने पहुंचकर बनवाया अपना आयुष्मान कार्ड, होगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। और रविवार को जनपद में दिन भर होती रही छिटपुट बारिश, लोगों को मिला गर्मी और उमस से राहत।